नमस्कार, हम दीपाकरण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाक विचार में आज प्रधानमंत्री ओली, पेशकर्ता लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन। नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला, 17 बुंदाक प्रस्ताव पारित करत भेल संपन्न। नेकपा एकता पूर्व के स्थिति स्वीकार करत फागुन 28 के निर्णय रद्द करबाक कयल गेल मांग। सिंकी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा आय सं सर्वसाधारणक लेल आईपीओ बिक्री खुला। 10 कते धरि सर्वसाधारण द सकै छथि आवेदन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन आ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीच वाक युद्ध। बाइडन हत्यारा कहलाक बाद पुतिन देले लाइव वार्ता के चुनौती। आ इंग्लिश क्लब आर्सेनल यूरोपा लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में केलक प्रवेश। अंतिम 16 से बाहर भेल टोटेनहैम। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाक बैसार आइ दुपहर 1 बजे बैस रहल अछि। आजुक बैसार में सभामुख प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 210 के उपनियम 4 बमोजिम सदस्य सब सँ प्राप्त अनुपस्थिति के सूचना सब स्वीकृतिक लेल प्रस्तुत करतनि। तहिना आजुक बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, लोक सेवा आयोग आ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करबाक संभावित कार्यसूची अछि। राष्ट्रीय सभा के पूर्व सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य अशोक कोइराला के निधन में शोक प्रस्ताव पारित करबाक संभावित कार्यसूची से हो संसद सचिवालय तय केने अछि। अशोक कोइराला के 71 वर्ष के उमेर में 2077 चैत 4 गते निधन भेल छल। सातम अधिवेशनक 4 बैसार धरि से हो सरकार संसद के बिजनेस नहीं देलक कहत सरकारक आलोचना कयल जा रहल अछि। नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्ष के राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला, 17 बुंदा के प्रस्ताव पारित करैत संपन्न भेल अछि। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के विविध गतिविधि प्रति दुख व्यक्त करैत सम्मेलन सँ नेकपा एकता पूर्व के स्थिति स्वीकार कऽ 28 गतेक निर्णय रद्द करबाक हेतु मांग कयल गेल अछि। बुध दिन सँ ललितपुर के सानेपा में भेल 2 दिनक सम्मेलन सँ ओ प्रस्ताव पारित कयल गेल। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीक विविध गतिविधि प्रति दुख व्यक्त करैत सम्मेलन सँ एकता पूर्व के स्थिति स्वीकार कऽ 28 कतेक निर्णय रद्द करबाक हेतु मांग समेत कयल गेल अछि। पार्टी एकता को पक्ष में उभिएका छौं। नेताहरुसँग संवाद नगर्ने, हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सुने प्रधानमन्त्रीको, अब संवाद गर्दिन भन्नुभएको छ। त्यो शैलीले पार्टी एकता सम्भव छैन, त्यसकारण पार्टी विभाजन को निम्ति उहाँ उद्दत्त हुनुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हामी अन्तिम सम्म पनि लचकताका साथ पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। काल सम्पन्न भेल राष्ट्रीय भेला सँ नीचा सँ लऽ कऽ ऊपर धरिके संगठनात्मक अभियान चलेबाक निर्णय कयल गेल अछि। तऽ हर संभव पार्टी एकता के सुदृढ़ बनेबाक लेल प्रतिबद्धता जनौलक अछि। अध्यक्ष ओली एमाले के समेत विभाजित कऽ देशी विदेशी शक्ति राष्ट्रीय स्वाधीनता ऊपर धावा करबाक कोशिश केने कहि कऽ सम्मेलन के निष्कर्ष अछि। तहिना ओली के कदम विरुद्ध दृढ़ता के साथ ठाढ़ होबाक लेल कार्यकर्ता सब के आह्वान कयल गेल अछि। समाप्त करने र नेपालको राष्ट्रीय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई कमजोर तुल्याउने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रको भर्त्सना गर्दै त्यस्तो षड्यन्त्रलाई विपद तुल्याई राष्ट्रको अस्मिता तथा कम्युनिस्ट शासनको भविष्य सुरक्षित गर्न एकता र दृढताका साथ अग्रसर हुन नेकपा एमाले पार्टी पंक्तिका साथै सम्पूर्ण देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिलाई यो बेला हार्दिक आह्वान गर्दछ। सम्मेलन के अंतिम दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल आ घनश्याम भूषाल सहितक नेता सब संबोधन केने छलन। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा काज नहीं कऽ सकल कहत राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैसार में चुनाव में जवाब प्रस्ताव राखलाक बाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेहो अर्ली इलेक्शन के पक्ष में देखल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना केलाक बादो एको महीना पूरा नहीं भेल आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ विपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देउवा बीच चुनाव के विषय में एकरूपता देखल गेल अछि। कांग्रेस, माओवादी, केन्द्र आ जसपा के गठबंधन सरकारक पहल रहलाक बादो एहि विषय में निष्कर्ष में पहुँचा नहि सकि रहल समय कांग्रेस ताजा जनादेश के आगू बढ़ौलक अछि। पार्टीक नेता, कार्यकर्ता, माओवादी, केन्द्र आ जसपा समेत ओली के विकल्प में अग्रसरता लेबाक लेल अनुरोध केला पर सेहो सभापति देउवा पहल नहि केलनि अछि।
एमाले आज सपा भीतर सरकार गठन के विषय में अलगे अलग मत रहल आ बहुमत के सरकार बन सकबाक अवस्था नहीं रहला कारण ताजा जनादेश के विकल्प नहीं रहल। कांग्रेस नेता गगन थापा के कहब छन नैतिकता के आधार में सेहो प्रधानमंत्री ओली के हटेबाक लेल कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनाकर चुनाव में जा पड़बाक थापा के कहब छन। सत्तारूढ़ दल एमाले भीतरे के आंतरिक द्वंद्व संसद में देखल गेला कारण संसद गतिशील नहीं होब सक रहल अछि। वैकल्पिक सरकार सेहो नहीं बन सक रहल अवस्था में कांग्रेसे के चुनावी सरकार के नेतृत्व का अर्ली इलेक्शन में जनाय उचित होयत कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल बतौलन अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आ बाकी समाचार। बारा के करीब 100 सँ बेसी गरीब तथा सुकुम्बासी सब के जागीर के प्रलोभन देखाकर ऋण सँ लाइद देल गेल खुलासा भेल अछि। सुकुम्बासी के नागरिकता दुरुपयोग कऽ हुनके सब के नाम सँ कंपनी में करोड़ों के राजस्व छलल गेल सार्वजनिक भेल अछि। बारा के जीतपुर सिमरा कलैया उप महानगर पालिकाक बहुतो सुकुम्बासी परिवार राजस्व के बोझ ढोहबाक लेल बाध्य अछि। किछु दिन पहिने सुकुम्बासी बस्ती के मुना चौधरी के घर में राजस्व छलल गेल कहैत काठमांडू सँ चिट्ठी अयलाक बाद एहि बात के खुलासा भेल अछि। मजदूरी क के घर परिवार के पालन पोषण करैत आयल मुना के परिवार करोड़ों के मालिक रहल आ राजस्व छलने कहि क सुनला पर सब केओ चकित भ गेल छल। काठमांडू जा क जखन ओ राजस्व कार्यालय पहुँचलनि त हुनका प्रहरी हिरासत में लऽ लेलक। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 के सुकुम्बासी बारा में करीब 145 गोटे ऊपर राजस्व छलने अछि कहि क मुद्दा लागल अछि। स्थानीय लेखा नंबर 6042311662 रहल पंकजा ट्रेडर्स प्राली के संचालक के मालिक अपना सब छी कहि कऽ हुनका सब के किछ थाहे पत्ता नहीं छन। शुरू में काज के लेल ओ सब नागरिकता बुझौने छल। तो हमी के नवरता लेके ये फसा दिल बना सब कुछ थाने के पति के बारे में कुछ मुझे थाने के ना बतेले बना बतेले बना सब अभी तो नहीं बतेले कि कौन विषय में बात कौन विषय में के बात हम कुछ थाने के हमें कुछ पता ना भाई कागज आयल तो पता भाई इतना हमरा जे एक कागज लेने तो हमरा बहुत रुवाई आ गई सब पूरा दे भेज गई बीमारी के हम मारल बनी 75 लाख मांगे कहलक जे राजस्व बच्चू हाउट के कागज आयल बा सरकार के अति नहीं के बुझल कह के जे अति कह के वहाँ जा के तोरा देखे के पड़ी वहाँ अदालत में एक लाख रुपया डरौती रखे रह आयो तारीख बोगता खेरी फेरी दू चार महीना पछी फेरी मेरे घर में लेटर गए। किछ व्यक्ति तो जेल सजाए काट कर घर से हो वापस आब चुकल छथि। करोड़ सँ बेसी राजस्व छलने मुद्दा खेबाक लेल ओ सब बाध्य छथि। सोझो साझो मान्छे अब यो केही उनीहरूलाई थाहा थिएन अचानक एकैचोटि काठमाडौँ लगेर यस्तो यस्तो गरिदिन्छु यो गरिदिन्छु भनेर उहाँहरूलाई सिधा सादा मान्छेलाई लगेर उहाँ नागरिकताको आधारमा ऊ गर्नुभएको छ कि उहाँहरूलाई फसाउनु भएको छ। दैनिक जीवन गुजारा करबाक हेतु समेत मुश्किल रहल एहि निरक्षर सुकुम्बासी सबके ठगी करनिहार समूह काज के लोभ द कर नागरिकता अपचलन केलक अछि। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था ने भेला धरि के लेल 20 वर्ष अवधि पूरा भेल सार्वजनिक साधन सबके समय सीमा बढ़ाकर संचालन के अनुमति देबाक हेतु मांग केने अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत नेमवांग समक्ष ज्ञापन पत्र पेश करैत महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था ने भेला धरि के लेल 20 वर्षक अवधि पूरा भेलाक बावजूदो हाल संचालन भ रहल सवारी साधन सबके समय सीमा बढ़ाकर संचालन करबाक व्यवस्था क देबाक हेतु अनुरोध केलक अछि। प्राविधिक चेक जांच के आधार में संचालन व्यवस्था क देबाक लेल महासंघ मांग कऽ रहल अछि। महासंघ 20 वर्षक सवारी साधन सब जँ विस्थापित कयल गेल तऽ नवका सवारी साधन के लेल भंसार में 100% छूट देबाक लेल मांग समेत केलक अछि।
स्थापना संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म का लागि हाल सञ्चालन रहेका सवारी का साधन को म्याद थप गरी सञ्चाल गर्ने व्यवस्था का लागि अनुरोध गरिन्छ। जति मर्मत सम्हार गरियो त्यति नै टिकाउ हुने हुँदा उमेर को आधार में 20 वर्ष सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गर्नु उपयुक्त एवं व्यवहारिक नभएकोले 20 वर्ष सवारी का साधन प्राविधिक चेक जांच को आधार में सञ्चाल गर्ने व्यवस्था का लागि अनुरोध गरिन्छ। महासंघ मूल्य वृद्धि के आधार में चैत के तेसर सप्ताह भीतर भाड़ा समायोजन करबाक हेतु सेहो कहने चैत के तेसर सप्ताह भीतर जँ भाड़ा समायोजन नहीं कैल गेल तँ सवारी साधन नहीं चलाएब कहकर सेहो ज्ञापन पत्र में उल्लेख कैल गेल हप्ता भित्र अनिवार्य रूप में भाड़ा समायोजन गरिदिनु हुन भई सार्वजनिक यातायात क्षेत्र में संलग्न देश भर का यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गरिदिनु हुन समेत माननीय मन्त्रीजी समक्ष साधारण अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त समयावधि भित्र भाड़ा समायोजन नभएमा बाध्य भई संपूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन अरू घर ग्यारेज में थन्क्याउन बाध्य हुने व्यवस्था समेत माननीय मन्त्रीजी समक्ष साधारण अनुरोध गरिन्छ। ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री नेमवांग पत्र के संबंध में यातायात व्यवस्था विभाग संगे आवश्यक बातचीत करब कहकर प्रतिक्रिया दिलेनि। सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड आई सँ सर्वसाधारणक लेल आईपीओ बिक्री खुला केलक अछि। आयोजना प्रभावित दोलखा के स्थानीय वासी के आईपीओ बिक्री कऽ चुकल कंपनी एखन सर्वसाधारणक लेल आईपीओ बिक्री खुला केने अछि। मेगा कैपिटल मार्केट लिमिटेड बिक्री प्रबंधक रहल कंपनी के आईपीओ में सर्वसाधारण जल्दी में चैत 10 कते धरि आवेदन द सकै छथि। ओ अवधि में जँ पर्याप्त आवेदन नहि देल गेल तँ चैत 20 कते धरि समय सीमा आर बढ़ाओल जा सकैत अछि। सर्वसाधारण आईपीओ में न्यूनतम 10 कित्ता सँ अधिकतम 2,00,000 कित्ता धरि आवेदन द सकै छथि। कंपनी प्रति शेयर 100 रुपया अंकित मूल्य के 29,00,000 कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला केने अछि, जाहि में सँ 5% अर्थात 1,54,000 कित्ता सामूहिक लगानी कोष के लेल आ 2% अर्थात 58,000 कित्ता कर्मचारी के लेल सुरक्षित कयल गेल अछि। बाकी रहल 26,97,000 कित्ताक लेल सर्वसाधारण आवेदन द सकै छथि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के लाइव वार्ता के लेल चुनौती देलनि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हत्यारा कहलाक बाद पुतिन एहन प्रतिक्रिया देलनि। रूस अमेरिके हत्यारा देश रहल जनौलक अछि। पुतिन रूस के सुरक्षा निकाय विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी के हत्या के प्रयास केने अभियोग सेहो अस्वीकार केलनि। किछु दिन पहिने एक अमेरिकी टेलीविजन के देने अंतर्वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन पुतिन अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित करबाक प्रयास कयलनि, ताहि लेल एहि के मूल्य तीरय पड़तनि कहने छलथि। अमेरिकी गुप्तचर निकाय द्वारा तैयार कयल गेल रिपोर्ट में रूस तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में परिणाम आनक लेल अमेरिकी चुनाव प्रभावित करबाक प्रयास कयलनि कहकर उल्लेख कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब आर्सेनल यूरोपा लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश केलक अछि। काल रात भेल अंतिम 16 के दोसर लेग में ग्रीस के ओलंपिया कोस संगे 1-0 गोल अंतर सँ पराजित भेलाक बादो आर्सेनल अंतिम 8 के यात्रा तय केलक अछि। घरेलू मैदान में हार के बावजूद आर्सेनल समग्र में 3-2 के जीत सहित अंतिम 8 में पहुँचल अछि। पहिल लेग में आर्सेनल 3-1 गोल के बेहद जीत हासिल केलक छल। इमिरेट्स स्टेडियम में 10 खिलाड़ी में सीमित ओलंपिया कोस के जीत दिएबाक लेल यूसुफ एल आरबी निर्णायक गोल केने छलनि। आरबी 51वां मिनट में गोल केने छलनि, मुदा ओ गोल सँ ओलंपिया कोस दोसर चरण में नहीं पहुँच सकल। दोसर इंग्लिश क्लब टोटनहैम अंतिम 16 सँ बाहर भेल अछि। दोसर लेग में क्रोएशिया के डायनामो
जागरेब संगे 3-0 गोल अंतर से पराजित भेलाक बाद टोटेनहम समग्र में 3-2 के हार के सामना करैत बाहर भेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभाक बैसार में आइ प्रधानमंत्री ओली पेश करता लोक सेवा आयोग आ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन। नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला 17 बुंदाक प्रस्ताव पारित करैत भेल संपन्न। नेकपा एकता पूर्व के स्थिति स्वीकार करैत फागुन 28 के निर्णय रद्द करबाक कयल गेल मांग। सिंगटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा आइ से सर्वसाधारण के लेल आईपीओ बिक्री खुला। 10 गोटे धरि सर्वसाधारण द सकै छथि आवेदन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन आ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीच वाक युद्ध। बाइडन हत्यारा कहलाक बाद पुतिन देलनि लाइव वार्ता के चुनौती। आ इंग्लिश क्लब आर्सेनल यूरोपा लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में कलक प्रवेश। अंतिम 16 से बाहर भेल टोटेनहम। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।